हाँ जी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में ये स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास सिक्स जो है 17th, पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th में बेटा, ऑन पेज 192, ओके, व्हाट इज रिटन हियर? इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इक्वल्स टू, मेरे पास जो है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, और मुझे कहा गया है फाइंड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, अगर मैंने सिंपल डेरिवेटिव करना है, आपको पता है ये फॉर्म कौन सी है, कौन सी फॉर्म है ये? इज इट नॉर्मल फॉर्म, इज इट वेरिएबल पावर वेरिएबल फॉर्म, इज इट पैरामेट्रिक फॉर्म, कैसी फॉर्म है ये? पैरामेट्रिक फॉर्म है 100%। कैसे पता चला ये पैरामेट्रिक है? वेरी गुड, क्योंकि एक्स और वाई एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। एक्स एंड वाई डिपेंड्स अपॉन ओनली वन पैरामीटर, और वो कौन सा पैरामीटर है? टी। ठीक है, तो उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, अगर मुझे डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है, अब डी वाई बाय डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वाई डिपेंड्स कर रहा है टी पे, तो वाई को डी टी से ही डिफ्रेंशिएट करूंगी ना, विद रिस्पेक्ट टू टी से। और एक्स भी किससे डिपेंडेंट कर रहा है? एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो दैट मींस डी एक्स बाय डी टी, पता चल गया। यानी सबसे पहले मुझे डी वाई बाय डी टी चाहिए, फिर डी एक्स वाई डी टी चाहिए। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं डी वाई बाय डी टी कैलकुलेट करूं बेटा, तो डी वाई बाय डी टी, बेटा ए कॉन्स्टेंट है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस है ना, कल हमने किया था माइनस। अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा ही, क्यों? क्योंकि दो फंक्शंस हैं, एक टी और एक कॉस टी, है कि नहीं है? तो मेरे पास यहाँ फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी इज माइनस साइन टी प्लस सेकेंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ टी वन, वेरी गुड चंदन, दैट इज वन। ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट क्लोज कर। ठीक है बेटा, अब ए कॉस टी, अब बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाले साइन क्या होंगे? चेंज होंगे, तो मेरे पास यहां ऑलरेडी माइनस था, तो इट बिकम प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, इट विल कैंसल विद दिस एंड यू लेफ्ट विद ए टी साइन टी। मार्क दिस इक्वेशन एज फर्स्ट, ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, अब हम कैलकुलेट करते हैं डी एक्स बाय डी टी, ओके बेटा, डी एक्स बाय डी टी। अब जब मैंने डी एक्स बाय डी टी कैलकुलेट करना है, अगेन यहां पर ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, हाँ जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, वेरी गुड, तो माइनस साइन टी। अब यहां पर अगेन क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। रीजन, दो फंक्शन है, एक टी है और एक साइन टी है, तो मेरे पास प्लस, हाँ जी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मेरे पास जो है प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टी, वो वन हो गया। देखो साइन टी और साइन टी कैंसिल हो गए मेरे पास, तो अब मेरे पास क्या बचा? ए टी कॉस टी। तो दैट मींस अब मैं वैल्यू पुट करूंगी यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बेटा देखिए ध्यान से, यहां बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, जब मैंने डबल डेरिवेटिव करवाया था मैंने तब भी ये बात समझाई थी, ऊपर डी वाई बाय डी एक्स वाला पुट करना है, तो डी वाई बाय डी एक्स वाला ये वाला है ए टी साइन टी, और हेयर इट इज ए टी कॉस टी, इट विल कैंसल एंड यू गेट ओनली टैन टी। ये तो डी वाई बाय डी एक्स है, मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? किसी का दोबारा डेरिवेटिव करना ना। अब बेटा
अगर मैंने इसी का ही दोबारा डेरिवेटिव करना है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो dy by dt है किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, t पे, बट मेरे पास किससे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, x से, तो दैट मींस कि मैं अगर यहाँ पर t से डिफरेंशिएट कर दूं तो साथ में क्या लगा दूं, dt by dx, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, क्योंकि जब भी वेरिएबल और होता है, वेरिएबल t है, डिफरेंशिएट x से कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है, dt by dx। ये बात सबको समझ आ गई बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या आ गया, secant square t, t से ही कर रहे हैं ना, और साथ में मुझे कहा है dt by dx, ये कहां से निकालो, जो dx by dt है उसका क्या कर दू, रेसिप्रोकल। ओके, तो दैट मींस आई हैव टू पुट हियर 1 by a t cos t। बात क्लियर हो गई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगा मेरे पास बेटा 1 by a t और ये secant cube t, दिस इज माय आंसर। ओके जी, ये कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया, क्लियर है समय, टेक वीर बेटा। हाँ जी सृष्टि, चलो बेटा आगे, ठीक है नी, चलिए। ये क्योंकि ये नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने इस पे स्ट्रेस दिया, और मैं बार बार कह रही हूँ, ये मत सोचिए कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विल कम इन द बोर्ड एग्जाम। अभी सीबीएसई ने पैटर्न नहीं दिया, वो चाहे वो एमसीक्यू में डाले, बट वो लॉन्ग क्वेश्चन उसका माइट भी मार्क्स चेंज कर दे 3 में 4 में, क्योंकि उसने ये कहा एमसीक्यूज आने हैं, बट मार्किंग स्कीम तो नहीं ना दी। हमारे मैथ्स में जो प्रॉब्लम आ रही है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस हम उसको इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 नंबर का आता है, तो माइट भी वो 3-4 नंबर का तब आ जाए। ओके बेटा, क्लियर, चले आगे जी। हाँ जी चलिए, नेक्स्ट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे पास है, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, cos y इज इक्वल टू x cos a plus y, वेयर जो है cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, वी हैव टू प्रूव जो है dy by dx, दैट इज cos a plus y, cos square दिया हुआ है और sin a दिया हुआ है। अब अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो ना, तो बेटा आप अड़ जाते हैं और कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाती है। मेरे दिमाग में क्या आया कि यहां पर ना cos square, जब ये square आता है तो मुझे पता है u by v बनना चाहिए, जब u by v का टाइप हो, क्वेश्चन रूल लगे, तो अपने आप जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो नीचे v का square आता है ना, तो यहां से मेरे को इंडिकेशन हुई मैं dy by dx ना निकालूं, मैं क्या निकालूं, dx by dy। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे स्क्वायर ऊपर हो ना डेरिवेटिव में, तो आप उसका उल्टा करके देखो, यानी इंस्टेड ऑफ प्रूफिंग दिस, इफ आई प्रूफ दिस कि dx by dy ये बन रही है, तो देखना मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ये ट्रिक है हमारे पास, जब भी ऐसे स्क्वायर वाला टर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं जो है यहां पर डिफरेंशिएट डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली कर दो, बेटर है आप इसको इधर ले आओ, उसका बेनिफिट क्या होगा, वाई वाली सारी टर्म्स एक साइड पे हो जाएंगे, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई ओवर कॉस ए प्लस वाई हो गए। अब अपने आप देखना, अब यहां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटा वाई करना है, एक्स नहीं करना, क्यों वाई करना है, बिकॉज आई नीड टू प्रूव डी एक्स बाय डी वाई, पता चला। तो अब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं, देखिए जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ऐसे ही साइन स्क्वायर वाला भी है, ठीक है, स्क्वायर से मैंने याद रखा हुआ है कि जब भी ऐसे स्क्वायर आए तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके प्रूव करूंगी। ओके जी, चलिए जब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं, तो इधर डी एक्स बाय डी वाई और इधर
हाँ जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। हाँ जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और वाई से ही कर रहे हैं, कुछ लगाना तो है ही नहीं, तो दैट मींस माइनस साइन वाई। अब बीच में आता है माइनस, नेक्स्ट टर्म मैं इधर लिख रही हूँ बेटा। अब मैं नेक्स्ट देखू तो मेरे पास हो गए कॉस वाई एज इट इज इनटू फिर कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ए प्लस वाई, तो दैट मींस मैं माइनस साइन ए प्लस वाई। ओके जी, वो नीचे वाली टर्म एज इट इज ही। अब देखें मेरे पास हो गया ये माइनस, ओके मैंने माइनस लगा दिया। अब मेरे पास क्या बन गया यहां पर? कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया? प्लस। तो मेरे पास प्लस जो है साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब अगर मैं देखूं मुझे प्रूफ में ए चाहिए ऊपर साइन ए, अगर मैं फॉर्मूला देखूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। तो मेरे पास साइन ए क्या था? ए प्लस वाई माइनस बी, बी क्या है? वाई, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो ये वाई वाई कैंसिल हो गया। रसिका एनी डाउट? मैंने डेरिवेटिव लिया ना यू बाई वी, डिफरेंशिएट किया ना, फॉर्मूला लगाया यू बाई वी का, वी स्क्वायर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस फिर यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। ओके जी, क्लियर? यस कार्तिक, कार्तिक पहले अपनी वीडियो ऑन कीजिए सो दैट आई कैन कम टू नो। यस दिस इज कार्तिक, एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए कार्तिक मुझे, बिकॉज समटाइम फेक आईडीज आर कमिंग। कार्तिक ओके यस बेटा। मैम जब आपने साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव कर वो आपने मैम हाँ जी बोलिए। वो मेरे को सेकंड स्टेप समझ नहीं आया फ्रॉम विच साइड बेटा? हाँ मैम, डीएक्स बाय डीवाई इज इक्वल टू के बाय। जी बेटा ये वाला तो साथ में ही है ना, स्पेस नहीं था। ये वी स्क्वायर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस फिर यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी मैंने मैम लगाया। यस मैम, यहीं पे ही माइनस साइन ए प्लस वाई, उसके बाद ए प्लस वाई का दोबारा डेरिवेटिव नहीं होगा चेन तो रूल बेटा से? ए इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो, और वाई का वाई के साथ ही करने हैं तो वन, वो चीज लगाने की अच्छा जरूरत ही नहीं है कार्तिक, ओके मैम। ठीक है ना? क्लियर? ओके ठीक है। तो बेटा अब मेरे पास हो गए, अगर आप देखोगे तो साइन ए ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, हमने यही प्रूफ करना था ना, हो गया कि नहीं? सबको क्लियर हो गया? और बहुत बार ये टाइप पेपर में आती है। इससे पहले बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली हो जाते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन 14th करवा देती हूँ, बाकी किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ 14th क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहती हूँ। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इट इज गिवन इफ एक्स अंडर रूट 1 + y + y√1 + x = 0, आई नीड टू प्रूफ दिस। अब बेटा क्लियर कट मैं आपको बता रही हूं कि मुझे कैसे पता चलता है, मैं हमेशा जो प्रूफ करना है ना मैं उसमें देखती हूं। ये 1 + x² तभी आएगा अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 + x हो, तभी बनेगा ना। तो मेरे दिमाग में आया मैं अगर सिंपली इसको डिफरेंशिएट करूंगी ना तो मेरा क्वेश्चन जल्दी नहीं निकलेगा।
तो मैं क्या करूंगी इसको, मैं एक साइड को इधर रख लेती हूँ और दूसरे साइड को उधर ट्रांसपोज कर देती हूँ और स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करती हूँ। जब मैंने स्केयरिंग की, एक्स स्केयर वन प्लस वाई, वाई स्केयर वन प्लस एक्स, ओपन कर लो ब्रैकेट, एक्स स्केयर प्लस समयांक, रिटर्न हैबिट करो बेटा, यही प्रॉब्लम आएगी मेरा बेटा। अब मैं क्या करूं, फैक्टर्स बनाने की कोशिश करूं, ओके? तो मैंने जब फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास बेटा ये क्या बन गया, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और इधर से वाई स्केयर एक्स माइनस एक्स स्केयर वाई, ओके? तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और मेरे पास क्या आ गया, वाई एक्स मैंने कॉमन ले लिया, वाई माइनस एक्स मेरे पास बचा। अब बेटा देखिए, क्लियर कट ये सेम सेम फैक्टर है, ये कट सकता है, क्यों कट सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो दैट मींस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता, इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर सकती हूँ, वाई। अगर मैं वहां वहां पुट करूं, यहां पर वाई, यहां पर वाई, ये तो कुछ टर्म आ गई, और वो टर्म क्या है, कटिंग होके जीरो के नीचे गई तो इधर टू बच जाता है। क्या कभी टू जीरो के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट मीन्स वो नॉन जीरो फैक्टर है, वो जीरो फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जो कैंसलिंग करते हैं ना बेटा, वो किसकी करते हैं, नॉन जीरो फैक्टर, कभी भी जीरो वाले फैक्टर की कटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जब यहां काटूंगी ये और ये माइनस वन ना, हाँ जी, मैंने आपको रीजन बताया कि एक्स माइनस वाई को हम वैसे जो चीज निकालनी होती है हम उसको कटिंग नहीं कर सकते बेटा, कटिंग हमेशा तभी करते हैं अगर वो नॉन जीरो फैक्टर। मैंने आपको ये बताया कि ये नॉन जीरो फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये जीरो फैक्टर होता तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई होता, एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स आप जहां जहां वाई है वहां एक्स पुट कर लो, या जहां एक्स है वहां वाई पुट करके देखो, तो एक साइड पे टू बचता है, एक साइड पे जीरो बचता है। क्या टू जीरो के इक्वल होता है, नहीं, नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इजीली कटिंग कर सकती हूँ, मैंने ये रीजन बताया। समझ आई मेरी बात सबको, कि why I am able टू कट दिस फैक्टर, रीजन ये नॉन जीरो फैक्टर है, ओके? तो अब मेरे पास हुआ एक्स प्लस वन जो है माइनस एक्स वाई है, ये प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब आपने अगर वाई वाली टर्म्स कंबाइन करनी है तो मेरे पास वाई कॉमन ले लो, वाई की वैल्यू निकालो, तो मेरे पास अपने आप देखिए वन प्लस एक्स डिनोमिनेटर में आया कि नहीं, तो वो अपने आप ये आंसर बनेगा जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, करके देखिए, हरिये डू द फैक्टर्स, सॉरी डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट करोगे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स मेरे पास हो गए माइनस वन, देन माइनस, फिर मेरे पास हो गए वन प्लस एक्स एज इट इज, सॉरी माइनस एक्स एज इट इज, और उसका डेरिवेटिव वन। अब ओपन कीजिए, माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैंसल, और माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए आ गया कि नहीं, मीन्स जो प्रूफ करना है ना वहां से अपने आप को कोई ना कोई हिंट मिलेगा कि अरे इसको ऐसा करो। कोई बच्चा डायरेक्ट डेरिवेटिव करता रहेगा ना तो वो इस रिजल्ट पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहती निकलता नहीं है, बट इससे स्पीड हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। ओके बेटा चले आगे, अब इसके बाद बेटा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके, 1 to 10 मैंने होमवर्क दिए थे, ओके, और बाकी सारे इजी हैं, डायरेक्टली होने वाले हैं, जो टिपिकल वन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी, ठीक है बेटा।
Now today we will start with the new chapter. Very important. और इससे तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना, एंडलेस क्वेश्चंस, आप इसमें से छोड़ नहीं सकते हो. और इसमें से दो टॉपिक कैंसल हुए हैं बेटा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारी जो है दो एक्सरसाइज इसमें से कैंसल हुई हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 6, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. फर्स्ट जो है एक्सरसाइज पूरी डिलीट हुई है रेट चेंज की, ओके. एंड द नेक्स्ट जो डिलीट हुई है बेटा, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.4 अप्रोक्सीमेशन, 6.1 एंड 6.4 दैट इज डिलीटेड, ओके. बाकी सारा चैप्टर जो है वो नॉर्मली बच्चे डरते हैं लास्ट एक्सरसाइज से, बस मैक्सिमा मिनिमा से. बट अगर हम उसके ट्रिक्स लर्न करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आज जो टॉपिक करने लगी हूँ ना, शॉर्टकट भी साथ ही बताऊंगी. अगर पेपर सब्जेक्टिव हो तब भी वही कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, अगर MCQ हो तब भी वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फर्स्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई इसमें पुराना कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज आने चाहिए इसके लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास. सबसे पहले अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जस्ट एक ले एक छोटे से बच्चे को समझाना है. जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ बढ़ता ही जाए ऐसे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन. बट अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करें और उसकी स्लोप कम होती जाए, डिक्रीजिंग. हमें तो ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आते ना, ये तो ऐप हो मैं फंक्शन पुट करूं तो फटाफट पता चल जाए. बट हमने कैसे चेक करना, उसके लिए क्या होता है. अगर मैं इंक्रीजिंग में देखूं, मैंने मान लीजिए ये x1 लिया, ये कोई वैल्यू ली x2. आप में से कोई मुझे बता सकता है x1 ग्रेटर देन x2 है कि x2 ग्रेटर देन x1 है. आपने लिया x2 ग्रेटर देन x1, आपने लेट किया. यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होती है वो क्या है, f ऑफ x1 की है, ये f ऑफ x2 की है. तो मुझे बताइए यहां फंक्शन की वैल्यू कैसी है. f ऑफ x2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन f ऑफ x1. उसमें देखे नेचर कि अगर मैंने कहा कि ऐसे वो ग्राफ डिक्रीज करता है, तो लेट अस सी द नेचर कि यहां कैसे होता है. मेरे पास ये x1 है, ये x2 है. मुझे बताइए x1 x2 से बड़ा कौन सा है. x2 बड़ा है x1 से. बट अगर मैं यहां पर फंक्शन की वैल्यू देखूं, ये x2 की, यहां f ऑफ x2 है, यहां f ऑफ x1 है, यहां पर क्या हो गया, f ऑफ x2 जो है वो लेस हो गया f ऑफ x1. हुआ क्या ना, वहां कोई चेंज आया था, नहीं आया था. मीन्स अगर मैंने कोई दो पॉइंट्स लिए, उसको देखा कि उसमें बड़ा कौन सा है, और वहां पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, उसकी नेचर सेम रहती है, बड़ा है तो बड़ा रहता है, छोटा है तो छोटा रहता है. तो दैट मीन्स वो 100% इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 100%. बट यहां पर मेरे पास जो है, हाँ जी बोलो कुछ कहना, कहां पर x2 की वैल्यू. जब हम x एक्सिस पे जाते हैं इधर वैल्यूज बढ़ती नहीं है, बढ़ती है ना, लेकिन यहां पर ऊपर जाने पे भी बढ़ती है. तो यहां फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई, x1 की फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई ना, तो उस तरफ ही आएगा ना. तो दैट मीन्स मेरे पास 100% जो है ये डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग. यानी ग्राफ से भी मैंने नेचर बता दी, बताई ना, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि ऐसा होता है.
बट हम चैप्टर जो कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली है एओडी, क्योंकि मैंने पहले नहीं लिखा रीजन आपको उसके साथ कोरिलेट करने के। जब मैंने यहां पर एओडी लिखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी इस हर टॉपिक में मेरा डेरिवेटिव यूज होना चाहिए, एम आई राइट? होना चाहिए ना। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको नेचर बताई कि मेरे पास जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे होता है। अब हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उसमें 100% हमारा जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। अब वो कैसे हम करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो बताने लगी हूँ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब बेटा देखिए, ये मैंने क्लियर कट आपको नेचर बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, मैं ग्राफ को देख के या मैं दो वैल्यूज चूज कर लूं एक पर्टिकुलर इंटरवल में और वहां से फंक्शन की वैल्यू चेक कर लूं कि अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो डिक्रीजिंग होगा, नहीं चेंज हो रही तो वो इंक्रीजिंग ही रहता, ठीक है। अब अगर मैंने जो है एग्जैक्ट डेरिवेटिव की हेल्प से मैंने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, उसके लिए फर्स्ट स्टेप मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले मेरे पास फंक्शन है, गिवन है, मैं वहां पर क्या करूंगी, डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगी। ओके बेटा, सबसे पहला क्या करूंगी काम, मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगी। हाँ जी बेटा। अब बेटा मैंने डेरिवेटिव निकाला, जब मैंने डेरिवेटिव निकाला, मैंने सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव निकाला, थर्ड स्टेप में मैं डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करूंगी, ठीक है। जब हम डेरिवेटिव को इक्वल टू पुट जीरो करते हैं तो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाती है। ये पता कौन से पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, इसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स। जैसे मेरे पास ये एक ग्राफ है, डेरिवेटिव जीरो होना दैट मींस उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। डेरिवेटिव जीरो होना दैट मींस एट दैट पॉइंट स्लोप जो है, आपने याद होगा प्लस वन में जब हमने स्ट्रेट लाइन किया था, हम कहते थे कि एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप अगर इक्वल टू जीरो है तो आप क्या कहते थे, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी यहां पर एक पॉइंट पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, वो लाइन किस कर्व को टच करती है, तो टच करती है तो वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर भी करती है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये सारे क्या है, टर्निंग पॉइंट्स है, है कि नहीं है टर्निंग पॉइंट। तो हम सबसे पहले ये टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट कर, वो टर्निंग पॉइंट हमें ये बताता है, देखो पहले ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज ही कर रहा है, उसके बाद ये इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज कर, है कि नहीं। तो वो टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट करने से हमारी क्या हेल्प हो जाती है, हमें यहां से ये पता चल जाता है कि इसकी नेचर जो है ना वो अलग हो रही, अपनी नेचर चेंज कर। जैसे हम आपको कहते हैं कि टीन एज में जाके ना बच्चे नेचर चेंज करते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, उनकी थिंकिंग लेवल में चेंज आता है, ऐसे ही यहां पर जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना उसका डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव होगा, जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव ना लेस देन जीरो होगा। ओके बेटा, क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो अब हमने यहां से ये चेक करना है वो पॉइंट्स निकाल कि उस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है के पॉजिटिव आती है। अब जब कल क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल कम टू नो कि हाँ जी ये कैसे करना है, बट इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट बताएंगे, वेवी कर्व मेथड।
जब इंटरवल निकालना, सिर्फ इंटरवल, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, फाइंड द इंटरवल एट विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं ताकि वो नॉर्मल सब्जेक्टिव में भी चलता है, कॉम्पिटेटिव में भी चलता है। तो कल हम वो डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पता चला कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। ये सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। मैंने कोई आपको मेथड नहीं अभी बताया, मैंने आपको कोई वो चीज नहीं बताई, सिर्फ आपको ये बताया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरे पास होता क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं। आपको ये भी बता दूं हम ये क्यों स्टडी करते हैं, जैसे पुल्स बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं। आप फ्लाईओवर पे कार जा रही है, एक स्पीड से जा रही है, हम एकदम उसका इतना राइज स्लोप नहीं कर सकते, यानी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्रीज करने पे गाड़ी क्या हो सकती है, उलट सकती है ना। तो ये चीजें मैथमेटिकली पहले उसके स्पीड की, हमारी स्लोप का, और स्लोप आगे हम बताएंगे आपको, फिर हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकालते हैं टेंजेंट नॉर्मल। तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, ऐसे नहीं कि आपने कहा अभी दे रहे एंगल 60 का स्लोप बना दे, ऐसा नहीं कुछ होता। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड फर्स्टली, आफ्टर देन जो है वो इवैल्यूएट होता है और उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये सारा जितना एओडी है ना, रिसर्च वर्क और कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज होता है हमारी रियल लाइफ में। हमें लगता है हम वैसे पढ़ रहे हैं, बट इसका रियल लाइफ में हर जगह पे, ये स्कूल की बाहर जो कर्व्स बनी है ना, ये भी यूज होती है। सेम कॉन्सेप्ट किस पे, हम देखते हैं कि कितनी स्लोप दें ताकि जो पानी की रेज है वो हमारी विंडो तक ना पहुंचे। ये सब आर्किटेक्चर सारे जो है, एक आगे इंटीग्रेशन और एओडी, आर्किटेक्चरिंग के कोर्स में ही यही दो चीजें हैं जो स्टडी करनी पड़ती है। ओके जी, क्लियर, कल हम करेंगे। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट्स?